नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 200 रुपए का नया नोट जारी करेगा। नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। इसके बाद सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला यह तीसरा नया नोट होगा। नंदन नीलेकणी को इंफोसिस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस तरह से नेतृत्व के संकट से जूझ रही देश की इस दूसरी बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी में एक बार फिर एनआर नारायण मूर्ति की अगुवाई वाले सह संस्थापकों की चली है। भाषा केंद्रीय आईटी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां भारतीय कानूनों का सम्मान करना सीखेगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भारतीयों को सशक्त बना रही है। सेवानिवृत्ति कोष चलाने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन डिजिटल इंडिया पहल के तहत अगले साल अगस्त तक पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा। इससे कोष के 5 करोड़ अंशधारकों के लिए सेवाओं में काफी सुधार आएगा। देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देते हुए डाकघर किराना दुकानों के बाद अब अगले महीने से पेट्रोल पंपों पर भी बिजली खपत कम रखने वाले एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध होंगे। यह काम फिलहाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा पेट्रोल पंपों से शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे देश भर में सभी पेट्रोल पंपों पर ऊर्जा दक्ष उत्पाद उपलब्ध होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।